हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। बोल ऋचा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, मैं आज खीर की रेसिपी बताने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट कर। दोस्तों, आज मैं खीर बनाने वाली हूँ। खीर बनाने के लिए ये देखिए, एक एक कप चावल को मैं गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए मैं रख दी हूँ। अब इसे गर्म पानी से निकाल लूँगी। और ये एक लीटर दूध है जिसे बॉईल होने के लिए रख दी हूँ, और इसमें मैं खीर बनाऊंगी। एक कप चावल में 1 लीटर दूध डालती हूँ और फिर बनाते हैं खीर। देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से खीर। ऐसे बनाने से खीर जल्दी बन जाता है गर्म पानी में डालने के बाद। अगर जल्दीबाजी में आपको बनाना हो तो गर्म पानी में चावल डाल के थोड़ी 10 मिनट के लिए रख दे, जिससे क्या होता है कि खीर बनने में आसान हो जाता है और जल्दी से बन जाता है। आसानी तरीके से जल्दी से बन जाता है खीर। ठीक है, अब ये देखिए दूध हमारा उबलने वाला है, और मैं उबाल आ चुका है दूध में, और मैं इसमें चावल डालूंगी। नहीं लगता इस तरह से चावल भिगो के आप रख दोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खीर बनाने में, और जल्दी ही खीर बन जाएगा। आपको अगर फटाफट खीर बनाना हो तो आप इसी तरह करके चावल डाल लीजिए गर्म पानी में, ताकि ये जल्दी से बन जाए और इमीडिएट आप लोग खा सको। तो इसको चलाते रहिए, बीच बीच में इसे चलाते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अभी। ये देखिए हमारा खीर हाफ बन चुका है, और इसे बीच बीच में आप चलाते रहें। देखिए इस तरह से है, ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। और अब इसको हल्का दबा दबा के इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा खीर, इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक है इसकी। देखिए ये भी सही लग रहा है, और हमारा खीर अब बन के तैयार है। और एंड में मैं इसमें अब ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है, ये जिसमें किशमिश है, छुहारे हैं, गड़ी है, और ये देखिए डाल के मिला देती हूँ। अब इसमें चीनी डालूंगी, ये 5, मतलब इस चम्मच से, बड़े चम्मच नहीं, ये वाले चम्मच से 5 चीनी डालूंगी, 5 चम्मच, जिसमें मीठा इक्वल मीठा हो जाएगा। इतना डालने के बाद अब देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर। ये हमारा 3 इलायची क्रश किया हुआ है, जिससे मैं इसमें खीर में डालूंगी। हमारा इलायची पाउडर है। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है दोस्तों, अब मैं इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करूंगी, जिससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और ये हेल्दी भी बन जाएगा और टेस्टी भी बन जाएगा। केसर तो जानते हो दोस्तों आप, कितना हेल्दी होता है और अच्छा होता है सेहत के लिए। अब मैं इसमें केसर डाल रही हूँ। ये देखिए, केसर डालने के बाद कलर चेंज हो जाएगा, और गैस की फ्लेम करेंगे ऑफ, और ये हमारा खीर बनके रेडी है। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों,